आपकी जो भाषा है ना ये ठीक नहीं है। आप हमारी पीड़ा पर मरहम लगाने के लिए आए थे, आप नहीं चाहते समस्या का समाधान हो। एडीसी मुर्दाबाद, एडीसी मुर्दाबाद, एडीसी मुर्दाबाद। पढ़ाए जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे। अब हम डीसी साहब के यहाँ रोज स्कूल लगाएंगे, जब तक जिंदगी रहेगी जब तक स्कूल यहीं पढ़ेंगे बच्चे। डीसी साहब को देखकर डीसी बन जाए क्या पता, स्कूल वाले तो कुछ बना नहीं रहे। गुरुग्राम के जिला उपायुक्त कार्यालय के नीचे अचानक छोटे छोटे बच्चों की पाठशाला शुरू हो गई और समाज सेवी बन बैठे अध्यापक। आखिर क्या था ये पूरा माजरा, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूँ मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में धारा 134A के तहत एडमिशन न होने वाले बच्चों के अभिभावक इस कदर बौखला उठे कि उन्होंने गुरुग्राम जिला उपायुक्त कार्यालय के नीचे बच्चों सहित धरना दे दिया और डीसी साहब की कार को घेरकर छोटे बच्चों की पाठशाला शुरू कर दी। इस पाठशाला के अध्यापक बन बैठे गुरुग्राम के समाजसेवी, जो इन बच्चों को पोएम सिखा रहे थे और डीसी साहब के प्रति नारे लगवा कर क्या क्या सिखा रहे थे, ये सबसे बड़ा विषय था। पढ़ाए जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे, जो चुप है उनको वाणी दे, हम मेहनत के दीप जलाकर, हम मेहनत के दीप जलाकर। दरअसल पिछले कुछ दिनों से धारा 134A के तहत जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, निजी स्कूलों ने उन बच्चों को एडमिशन देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से गुस्साए अभिभावक लगातार BWO और DWO यानी कि जिला शिक्षा अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे थे। लगातार उन्हें समय पर समय मिल रहा था, लेकिन निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतरे हुए थे और उन्होंने टाल मटोल करते हुए इनको एडमिशन देने से मना कर दिया था, जिसके बाद गुस्साए इन अभिभावकों ने आज DC कार्यालय का घेराव कर लिया और छोटे बच्चों के साथ आकर DC साहब की गाड़ी को घेर कर बैठ गए और यहाँ पर कक्षाएँ शुरू कर दी। हालात ये आ चुके थे कि जब ADC महोदय यहाँ पर आकर समझाने लगे कि अभी शिक्षा निदेशालय की तरफ से नई गाइडलाइंस आई हैं और उस गाइडलाइंस के तहत एक सप्ताह के अंदर अंदर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें हर जिले के जिला उपायुक्त होंगे, वहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। वो ये तय करेंगे कि जिन बच्चों के नाम यहाँ पर आए हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा जो यहाँ पर सबमिट किए गए हैं कि उनकी आय के साधन क्या हैं, क्या वो EWS कैटेगरी में आते हैं, पहले उसका सत्यापन किया जाएगा और यदि वो सत्यापन में सही पाए गए तो उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। इसी निर्देशों को जानकारी देने के लिए जब गुरुग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त ADC साहब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर उनका विरोध शुरू हो गया। अभी सोच रहे हो ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र है, मुख्यमंत्री का भी चक्का बदलने की ताकत रखी जनता जनार्दन। आपकी जो भाषा है ना ये ठीक नहीं है। आप हमारी पीड़ा पर मरहम लगाने के लिए आए थे, आप नहीं चाहते समस्या का समाधान हो। जो आपकी भाषा है ये भाषा बताती है कि आप हमारा उत्पीड़न करना चाहते हैं। देख रहे हैं सचिव साहब, आप कह रहे हैं इनसे बात करें, क्या बोल कर गए हैं ये लोग, यही शिक्षा, ये इनकी भाषा है, ये नहीं चाहते समस्या का समाधान हो। गुड़गांव प्रशासन मुर्दाबाद, गुड़गांव प्रशासन मुर्दाबाद, गुड़गांव प्रशासन मुर्दाबाद, ADC मुर्दाबाद, ADC मुर्दाबाद।
हालात इस कदर खराब हो गए कि खुद जिला उपायुक्त महोदय को नीचे आना पड़ा। आखिरकार उन्होंने आकर इनको आश्वासन दिया कि सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दी जाए, तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन अभिभावकों का अभी भी यही आरोप है कि आखिर उनके बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों उन लिस्ट में नाम आने के पश्चात भी निजी स्कूल उनके बच्चों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। रोज़ हम जाते हैं स्कूल, रोज़ नए नए बहाने देके हमें स्कूल से निकाल दिया जाता है कि स्कूल में सीटें नहीं हैं, स्कूल नहीं देगा आपको एडमिशन। और आज हमें क्लियर कट बात बोल दी गई है कि हम स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, चाहे आप कहीं तक भी चले जाओ। हम यहाँ आते हैं, यहाँ भी डीसी साहब हमें आश्वासन दे के निकाल देते हैं। पहले हम 20 को आए, हमें 22 को बुलाया गया। हम 22 को आए, बोला गया तुम्हारा 24 तक हो जाएगा एडमिशन। 24 से 31 तारीख लास्ट डेट की गई और आज हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। अब हम डीसी साहब के यहाँ रोज़ स्कूल लगाएंगे, जब तक ज़िंदगी रहेगी जब तक स्कूल यहीं पढ़ेंगे बच्चे। डीसी साहब को देखकर डीसी बन जाए क्या पता, स्कूल वाले तो कुछ बना नहीं रहे हैं। तो ये प्रशासन क्या कह रहा है आपसे? प्रशासन कुछ नहीं, धोखी छोटी दलीलें हैं, वही छोटे आश्वासन हैं। बस जाओ घर जाके बैठ जाओ, तब ये काम करेंगे। तब कभी महीने दो महीने चार महीने में अगर बच्चा हुआ तो एडमिशन हुआ, वरना नहीं भी हुआ। कुल मिलाकर धारा 134 के तहत EWS कैटेगरी में जिन बच्चों का एडमिशन होना है उनके पेरेंट्स तो परेशान हैं ही, लेकिन ये मुद्दा अब प्रशासन के लिए भी गले की फांस बनता जा रहा है। और जब तक निजी स्कूल इनको एडमिशन नहीं देते हैं तब तक ये मुद्दा कहीं ना कहीं ऐसे ही गर्माता रहेगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।